चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में। ये जो वीडियो है वो फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा यानी कि जिन लोगों को पढ़ना है बिहार पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक, ठीक है, तो इसमें आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है कम्युनिकेशंस के बारे में। इससे पिछले दो वीडियो में मैंने आपको कम्युनिकेशन के विषय में बताया हुआ है, जिसमें आपको एसेंशियल्स पॉइंट आपको बताए हुए हैं, ठीक है, तो वो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देखें। आज हमारा है क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशंस को जानने वाले हैं, वो भी हिंदी में। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बातें करते हैं सबसे पहले कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास है, सबसे पहले यहाँ पे कलर्स को पिक कर लेते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये कहता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट फ्लोज लैटरली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इन्वॉल्व्स पर्सन एट द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन एक जैसे, मतलब सेम लेवल पर्सन्स के ऊपर ये लागू होता है। मतलब जब एक ही जैसे पद वाले व्यक्ति आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों हम अब बिजनेस वगैरह में जो है ज़्यादा करते हैं, तो बिजनेस में ये सब चीज़ें, या फिर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब हमें ये सिखाया ही इसलिए जाता है ताकि कस्टमर से, कलीग्स से, जो भी मतलब कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन लोगों के बीच में हम वार्तालाप कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें जो पर्सन होंगे वो एक लेवल के होंगे और एक जैसे अलग अलग पर्सन एक ही लेवल के आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ बोल रहा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नॉर्मली इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड अलाउ पीपल विद द सेम और सिमिलर रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑपरेट एंड कोलाबरेट। मतलब कि एक जैसे, मतलब सिंपल आपको समझाया जाए कि मान लीजिए ये एक पर्सन है और एक ये पर्सन, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और दोनों व्यक्ति जो है एक प्रोडक्शन हाउस का मैनेजर है। मान लीजिए यहाँ मैं आपको यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल, अगर आप समझा, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, पहला जो व्यक्ति है ये नंबर वन, ये प्रोडक्शन हाउस का है, ठीक है, प्रोडक्शन हाउस का है, और दूसरा जो है ये जो सेकंड वाला है ये सेल्स का है, उसी प्रकार से परचेज जो करते हैं कस्टमर। तो ये लोगों का जो है, ये जो मैनेजर होंगे, तीनों के मैनेजर होंगे, वो मैनेजर के पद पे आते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का यदि कम्युनिकेशन होता है, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर की आपसे बात की जाए, सेल्स मैनेजर की बात की जाए, या फिर परचेज मैनेजर की बात की जाए, तो ये मैनेजर का जो लेवल है वो सेम होता है हर जगह पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो कम्युनिकेशन हुआ, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर और यहाँ पर परचेज मैनेजर, तीनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमारी कहलाती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक बात आपको बता दें दोस्तों कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, जाकर के ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना पीपीटी फाइल, ये आपको उस पर मिल जाएगा। आप आसानी से इस चीज़ों को आप याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले वाले, जो हमारा पॉइंट है वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन कहता है वर्टिकल कम्युनिकेशन इज़ ए टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है, टाइप ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर ऑन डिफरेंट लेवल इन इट्स हायरार्की। इट कैन बी यूज्ड बोथ इन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। देखिए आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि जनरल मैनेजर हो गया, ठीक है, जनरल मैनेजर हो गया, यहाँ पे हो गए आपके सेक्शंस मैनेजर, सुपरवाइजर्स हो गए, स्टाफ और वर्कमैन हो गया। अब ये एक लेवल बांटा गया है दोस्तों। अब जनरल मैनेजर सबसे टॉप पर है हमारा, सबसे टॉप जो इसका लेवल है, टॉप लेवल है
जनरल मैनेजर का, और सबसे जो लो लेवल है वो हमारा है वर्कमैन का या फिर जो है स्टाफ वगैरह है उन लोगों का। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मान लीजिए कोई ऐसी मीटिंग्स करानी है, तो मीटिंग्स यहाँ पर जनरल मैनेजर सेक्शन और सुपरवाइज़र के साथ साथ स्टाफ वगैरह भी आ जाएंगे। तो इसका जो कम्युनिकेशन होगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो हमारी कहलाती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आप देख लो जो तीर बनाया हुआ ना यहाँ वाला, ये तो ये हो गई हमारी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, और नीचे से यानी स्टाफ लेवल से किसी को अगर ऊपर संदेश भेजना हो या कम्युनिकेट करना हो तो वो हमारी कहलाती है अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये दोनों कम्युनिकेशन दोस्तों वर्टिकल कम्युनिकेशन में आता है। यानी कि वर्टिकल कम्युनिकेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि जब नीचे से नीचे पद वाले व्यक्ति ऊपर पद वाले को अपना संदेश भेजते हैं या फिर डेटा इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं तो वो कहलाता है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन विद अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और कोई ऊपर टॉप लेवल का व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति को यानी स्टाफ वगैरह को मैसेज करता है, टॉप लेवल का जो व्यक्ति है नीचे मैसेज करता है या संदेश भेजता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह देता है, तो वो हमारा कहलाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन विद डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और वर्टिकल कम्युनिकेशन दोनों हमको समझ गए हैं। और ये जो आपको PPT है देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ज़रूर से ज्वाइन कर लें। ध्यान रखें मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं यहाँ पर कोई एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, और ये बिजनेस वालों के लिए नहीं है जो BBA वगैरह करते हैं, तो ये सिर्फ पॉलिटेक्निक वालों के लिए है जहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको समझा दिया कि ये चीज़ें क्या होती हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में जिसका मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा छात्र वालों के लिए है ये चीज़ें जनरली। ठीक है, क्लास नंबर 3 है, इसके पहले जितने भी क्लास कराए हैं आप जरूर से देख लें, आपको समझ में भी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक जरूर से करिएगा। जो लोग पहले हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब करके जरूर से जाना चैनल को। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।